पिछले कुछ दिनों से ये नाम सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। एसडीएम मौर्य की कहानी कुछ ऐसे ही लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ जाती है। लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी क्या है ये विस्तार से बताते हैं। जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शादी के बाद उनकी पढ़ाई रोकने नहीं दी और उन्हें एसडीएम बनाने में मदद की ज्योति मौर्य पर उनके पति ने यह आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मारना चाहती है, जबकि मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट लीक की है। दरअसल कहानी ये है कि ज्योति अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी, उनके पति की भी तारीफ हुई कि उन्होंने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। अब इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग आ गया। ट्विटर पर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि प्रयागराज में परीक्षाओं की तैयारी कर रही करीब 135 शादीशुदा महिलाओं को पढ़ाई बंद करवा कर वापस ससुराल बुला लिया गया। कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। हालांकि हमारे रिसर्च से ये पता चला है कि ये बातें केवल अफवाह है, यानी झूठी है, जो कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन फनी है। 2020 तक दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मामला थाने में है, जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या का साजिश रचने का आरोप है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति ने धमकी दी है कि प्यार से तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। दूसरी तरफ ज्योति ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनके पति ने उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग की है। यही कारण है कि अब वो आलोक से तलाक चाहती है। मिली जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी 2010 को आलोक और ज्योति की शादी हुई थी। ज्योति शादी के बाद पढ़ना चाहती थी, आलोक ने उनका साथ दिया और पढ़ाई के लिए उन्हें प्रयागराज लेकर गए। आगे परिवार की मदद से कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। ज्योति ने भी मेहनत की और 2015 में एसडीएम पद पर चुनी गई। दावा है कि 2020 तक दोनों के बीच सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई, सब बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब एक अलग लेवल पर है। आलोक के मुताबिक जब उसने उस पर आपत्ति जताई तो उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति उनके जान के पीछे पड़ गई। वैसे तो यह मामला एक पति और पत्नी के बीच का है, लेकिन जिस तरह से दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। एसडीएम ज्योति मौर्य का एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अभद्र भाषा में बात करते हुए सुनी जा सकती हैं। लोग ज्योति और आलोक की कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ पर विश्वास का गला घोटा गया है। जहाँ एक पति मामूली से सैलरी पर भी अपनी पत्नी को इतने महंगे कोचिंग सेंटर और एजुकेशन से एसडीएम बनाया, कुछ वक्त बाद ही उस पत्नी ने उस पति का विश्वास ही तो तोड़ा था। आपको कौन सही लगता है और कौन गलत, अपनी अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आप किसके फेवर में हैं। धन्यवाद।